क्या क्लास 11th के अंदर भी स्टूडेंट्स फेल होते हैं? आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि क्लास 11th में बोर्ड तो होता नहीं है, एग्ज़ाम आपके स्कूल में ही बनता है, स्कूल के टीचर ही चेक करते हैं, वहीं से आपको रिजल्ट मिलता है। तो क्या क्लास 11th में कोई फेल होता है कि नहीं, या कितने बच्चे फेल होते हैं, कैसे होते हैं? भैया पास होना है तो क्या करना पड़ेगा? यार अपनी बात बताता हूँ, जब मैं क्लास 11th में था ना, तो यार सच बता रहा, क्लास 11th में ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करी नहीं थी, क्योंकि बोर्ड था नहीं। सोचा था क्लास 11th में एंजॉय करेंगे और मेरे एग्ज़ाम थे सर पे, और भाई साहब कुछ नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। डर लग रहा था कि फेल हो जाएंगे, फिर दोस्त को पकड़ते थे, दोस्त कहता हमें भी कुछ नहीं आता। अरे आपको भी कुछ नहीं आता, हमें भी कुछ नहीं आता, यार चलो ठीक है भाई, देख लेंगे, संभाल लेंगे। भाई क्या क्लास 11th में मैं लिख के आया था एग्ज़ाम में, आई डोंट नो। फिर मैं फेल हुआ कि पास, पास हो गया था। क्या पूरा होता है क्लास 11th के अंदर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। पहली बार चैनल पर अगर आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि होता क्या है मोस्टली हम लोगों के साथ, क्लास 10th में बोर्ड होता है, और बोर्ड में हम बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, है ना, बोर्ड एग्जाम में बहुत पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। फिर जैसे ही क्लास 11th में आते हैं, फिर सोचते हैं चलो एक साल अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, हैं बोर्ड एग्जाम दे के आ रहे हैं, हल्की बात है, एक साल का रेस्ट तो बनता है ना। हाँ 12th में फिर पढ़ना ही पढ़ना है, व्यक्ति थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, और वो रेस्ट बहुत भारी पड़ जाता है। भारी इसलिए पड़ जाता है वो रेस्ट, क्योंकि क्लास 11th में बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। भैया मैं अपनी बात बताता हूँ, जब क्लास 10th से 11th में गया था ना मैं, भाई साहब जो एग्ज़ाम में टेस्ट वगैरह होते थे ना, पेपर वगैरह, भाई बहुत गंदे मार्क्स आते थे। भैया मैं तो ये बोल रहा है 11th के अंदर पास कम होते थे, फेल ज़्यादा होते थे। जो क्लास में टेस्ट वगैरह होते थे, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली, भैया पास कम होते थे, फेल ज़्यादा होते थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार, कहाँ से कहाँ पहुँच गए यार। मतलब क्लास 10th में हम एक चैप्टर को पढ़ लेते थे, 11th में तो इतने बड़े बड़े चैप्टर, इतने बड़े बड़े फॉर्मूलाज, इतनी नई नई सारी चीज़ें। तो सिर्फ भैया एक स्टूडेंट की बात नहीं है, हर स्टूडेंट की यही कहानी होती है 11th में, भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ पहुँच गए। एक तो सोचा था मज़े करेंगे 11th में, और भैया यहाँ तो इतना सिलेबस है, और होता है, बहुत नॉर्मल चीज़ है मेरे भाई। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ होता क्या है। ऑब्वियसली क्लास 11th का जो एग्ज़ाम होता है वो स्कूल में ही बनता है, रिजल्ट भी आपके स्कूल वाले बना के देते हैं, टीचर्स वगैरह। अब भाई देखो 11th में फेल होते हैं बच्चे कि नहीं, पहले बताता हूँ। देखो दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम का मतलब यही है कि तुम में दम है तो पास, नहीं दम है तो फेल। पास फेल तो होता ही है मेरे भाई, अगर एग्ज़ाम हो रहा है तो ऑब्वियसली क्लास 11th में स्टूडेंट फेल होते हैं। अब फेल का मतलब ये नहीं कि उनको पूरी साल रिपीट करनी पड़ती है, ऐसे फेल होते हैं नहीं जी, उनकी कंपार्टमेंट लगती है। अगर जो एग्ज़ाम हो रहे हैं क्लास 11th में, अगर उनके मार्क्स इतने नहीं आ पाए जिससे वो पास हो पाए, उनकी कंपार्टमेंट लगती है। फिर टीचर वाले बोलते हैं कि बेटा दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको, 10-15 दिन बाद, 1 महीने बाद, जब भी डेट आती है एग्ज़ाम दे दो दोबारा से, उसमें पास हो जाओ, फिर 12th में पहुँच जाओगे। तो कंपार्टमेंट लगती है। बट मैंने ऐसे बहुत कम स्टूडेंट देखे, मतलब देखे ही नहीं मैंने, मेरे क्लास में भी कोई नहीं था कि जिसकी क्लास 11th पूरी बर्बाद हुई हो, है ना, और उसको दोबारा से 11th करना पड़ा हो, वो फेल हुआ हो। भाई मेरे क्लास में तो ऐसा कभी हुआ नहीं, मैंने देखा भी नहीं था, ठीक है। और बाकी सच बताऊँ तो क्लास 11th में जो टीचर्स से कोचिंग वगैरह जाते हैं उनको तो पास हो ही जाते हैं, वो उनको तो काफ़ी कुछ पता चल जाता है, आपको पता ही होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और भाई सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है क्लास 11th में फेल होने का, मैं बता रहा अपने क्लास में, मेरे क्लास में भी क्लास 11th में कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आई थी। जब मैं क्लास 11th में था तब भी कुछ स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आई थी, और कंपार्टमेंट आने का मेन रीज़न क्या था, टीचर से दुश्मनी थी। आता जाता किसी को नहीं था भैया क्लास 11th में, ना तो मुझे कुछ आता था ना मेरे दोस्तों को कुछ आता था, बट हम लोग पास हो गए बिकॉज टीचर से दुश्मनी वगैरह नहीं थी हमारी। बट भाई कुछ लोगों की टीचर से दुश्मनी थी भाई पर्सनल लेवल पे, और आता जाता कुछ था नहीं भाई, आई डोंट नो व्हाई, बट उनकी कंपार्टमेंट लगी थी, ठीक है। कुछ लड़के भी थे, कुछ लड़कियाँ भी थी, और उन्हें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा था, तब जाके क्लास 11th वो पास हुए थे, ठीक है। तो साल तो बर्बाद नहीं होती, बट उन्हें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ा था एज अ कंपार्टमेंट, ठीक है। एक रीज़न और होता है, तुम कुछ लिख के ना आ रहे हो तब क्लास 11th में कंपार्टमेंट आ जाती है, मतलब फेल कर दिया जाता तुम्हें, अगर तुम कुछ लिख के नहीं आ रहे हो। यार सिंपल सी बात है, अगर खाली कॉपी छोड़ के आ रहे हो तो क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करके नहीं आ रहे, टीचर मार्क्स कहाँ देगा यार। हम थे, हमारे दोस्त थे, सभी पास हुए क्लास 11th में एक बार में ही, कैसे भैया लिख के आए थे वाले ही, क्वेश्चन नहीं आ रहा है लेकिन लिख के आ रहे हैं यार। मतलब ऐसे ऐसे दोस्त थे मेरे में, पूछा जा रहा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, वो ऐसा उठपटांग सा आंसर लिख के आए, लेकिन लिख के जरूर आए भाई, एक नहीं दो दो तीन तीन चार चार कॉपी तक भर के आए थे क्लास 11th के अंदर, और कितना थे लिख के आए थे वो तो समझ ही जाओ, बट वो पास हो गए थे। बस इतना कहना चाहूँगा मैं क्लास 11th में पास होने के, इफ वो पॉसिबल सबसे पहले तो अच्छे से तैयारी करो, पढ़ लो इतना कि पास हो जाओ, फेल होने के बारे में सोचो भी मत भाई। तब किसी भी रीज़न से अगर आप नहीं पढ़ पाए क्लास 11th में अच्छे से, जो कि मोस्ट स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते, समझ में नहीं आता कहाँ पहुँच गए क्लास 11th में, दो चीज़ें ध्यान रखना यार, तीन चीज़ें बोल रहा हूँ। पहला, जितना भी तुम्हारे पास समय हो क्लास 11th में पूरी दम लगा दो कि तुम पास हो जाओ, फेल होने की नौबत ही ना आए, इतना तो पढ़ लो कि पास हो जाओ, पहली चीज़। दूसरा चीज़, टीचर्स के साथ अच्छा बिहेवियर रखो,
बहस मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, कभी हो भी क्या तो अच्छे से रिलेशन बनाओ, पैर वगैरह छुओ, बातचीत करो उनसे, है ना। कोचिंग जाने लगो इफ पॉसिबल, कोचिंग का भी चलता है काफ़ी ड्रामा तो समझ जाओ क्या बोलना चाह रहा हूँ। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमेशा याद रखना यार, अगर तुम बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, चाहे क्लास इलेवंथ में हो चाहे प्री बोर्ड कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, क्वेश्चंस छोड़ के मत आना। नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है क्लास इलेवन ट्वेल्थ सीबीएसई के अंदर, है ना, कि गलत क्वेश्चन किया तो मार्क्स कटेंगे, सही पे मिलेंगे, ऐसा नहीं होता। गलत करके आ रहे हो तब भी कटेंगे नहीं, मिलेंगे ही तुम्हें, तो नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, तो पूरा फ़ायदा उठाओ। कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आओ, सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आओ, आ रहा है तब भी लिख के आओ, नहीं आ रहा है जो आता है वो लिख के आओ, लेकिन छोड़ के मत आओ मेरे भाई। ऐसा करोगे आप पास हो जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। बाकी फेल तो कोई नहीं होता इस तरीके से अकॉर्डिंग टू मी कि पूरी साल ही क्लास इलेवंथ बर्बाद हुई हो, नहीं जी। कंपार्टमेंट लगती है कुछ बच्चों की, दोबारा एग्ज़ाम देते हैं, हो जाते हैं, टीचर के साथ कुछ सेटिंग कर लेते हैं, उनका भी हो जाता है काम, ठीक है। तो सही है यार, बाकी पढ़ो लिखो अच्छे से, एंजॉय करो, टेंशन नहीं रहने का। मैं एक लास्ट एक चीज़ बोलना चाह रहा हूँ भाई, कोई भी स्टूडेंट देख रहा है भाई, टेंशन मत लो। टेंशन लेने से ना तुम पास हो जाओगे, ना तुम्हारे मार्क्स बढ़ जाएंगे, ना कुछ होगा, कुछ नहीं होगा टेंशन लेने से, ठीक है। और अगर टेंशन है इतनी ज़्यादा तो पढ़ लो ना यार, वही दिक्कत है, हमारी टेंशन हो जाती है, टेंशन के चक्कर में हम पढ़ नहीं पाते। फिर अगर टेंशन से पढ़ाई में मन लगे फिर तो ठीक है यार, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम थे मेरे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, फिर भाई दो दिन रह गए बोर्ड एग्ज़ाम के, मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, अब नहीं पढ़े तो बेटा फेल हो जाओगे, तो टेंशन नहीं हुआ दिमाग में कि भाई ये फेल हो जाऊँगा, समझ दो भाई आग लगी पीछे कि अब तो पढ़नी पढ़ना है, दो दिन रह गए, अब तो पढ़ना ही पढ़ना है, एक डर था अंदर, अब नहीं पढ़े तो पक्का फेल हो जाएंगे, तो टेंशन नहीं लिया मैंने बैठ के कि मेरा क्या होगा, दो दिन रह गए, नहीं, बैठ के पढ़ने लगा, दैट्स इट, अच्छे खासे मार्क्स आए क्लास ट्वेल्थ के अंदर, हो गया पास। तो टेंशन नहीं लेना, टेंशन से कुछ नहीं होता, जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालो, और सॉल्यूशन नहीं है तो कमेंट करो, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। क्लास इलेवंथ में फेल नहीं होते कोई, ठीक है, और बस बढ़िया हो जाता है, पूरी स्टोरी आपको मैंने बताई दी। चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।